उज्जैन शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। घर में रखे हुए कीमती वाहन लगातार चोरी हो रहे थे। इसी मामले में उज्जैन पुलिस को सफलता हाथ लगी। दशहरा मैदान में चार युवकों को पकड़ा गया, जिसमें पास से चोरी की 14 मोटरसाइकिल 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की जब्त की गई है। अमन, आदर्श, विशाल, आशीष महंगी दारू पीने के लिए अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए गैंग बनाकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुछ महीनों पहले हम ये देख रहे थे कि शहर में वाहन चोरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। समय समय पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए जाते थे। उसी कड़ी के अंदर का हमको एक सूचना मिली थी कि तीन बच्चे हैं, बालक हैं तीन, जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। तो उनको हमने तत्काल टीम भेज कर उनको रोका, उनसे उनके डॉक्यूमेंट हमने प्राप्त किए और डॉक्यूमेंट की सूक्ष्मता से हमने परीक्षण किया तो हमको पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनके नहीं हैं। और जो बाइक है, जब हमने उसको वाहन पोर्टल पे देखा तो उसका मालिक कोई और ही था, जिसने बताया कि बाइक मेरी चोरी हुई थी। तो उससे सिद्ध हुआ कि ये बाइक चोरी की बाइक पे सवार थे। उसके बाद जब उनको थाने पे लाकर और भी इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने टोटल 14 चोरियां, जो माधव नगर थाना पूरे उज्जैन से उन्होंने 14 चोरियाँ करना कबूला। उसके तहत हमने 14 चोरियाँ रिकवर कर लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।